आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का डीएनडी पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि देश में जगह जगह चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट बिहार चुनाव के प्रचार के बाद आज दिल्ली के रास्ते यूपी के बुलंदशहर के लिए रवाना हुए हैं। बता दें यूपी में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते सचिन पायलट आज बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने डीएनडी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट की और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में इस बार उनकी पार्टी की लहर नजर आ रही है। प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि सरकार का जो रवैया रहा हाल के दिनों में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे करप्शन हो, चाहे तमाम तरह के विवाद हो, उसको देखते हुए जनता बदलाव चाहेगी। और इन उपचुनावों से सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन संदेश जरूर जाएगा। अगर जो सत्ताधारी दल है उसकी हार होगी और हम सब के यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, तो संदेश जाएगा लखनऊ में, पूरे प्रदेश में। जहाँ तक बिहार की बात है, मैं वहाँ बिहार के दौरे पर था, वहाँ पर एक बहुत मजबूत हवा चल रही है बदलाव के पक्ष में। वहाँ बिहार के लोग अब जवाब मांग रहे हैं, नारे बहुत हो गए, दल बदल बहुत हो गए, और नौजवानों के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। महागठबंधन का वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक फेज की पोलिंग हो चुकी है, बाकी दो फेज में भी भारी बहुमत कांग्रेस और आरजेडी के हमारे उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। सर, अभी आप सिंधिया के गढ़ में गए थे, तो आपको क्या लगता है वहाँ किस तरह का माहौल है? मध्य प्रदेश में गया था दौरे पर, वहाँ पर भी अनेक 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और जो मुझे लगा वहाँ पर मेरे दौरे के दौरान, सभाओं में जो उत्साह लोगों में देखा, जो फीडबैक मुझे मिला वर्कर्स से, हमारे उम्मीदवारों से, वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति हमारे उम्मीदवारों की है। और लगभग सभी 28 सीटों पर वहाँ कांग्रेस पार्टी बढ़त में है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर दोबारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का पक्षम फैलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव जो हो रहे हैं, जो इस तरह जो तोड़ शुरू हो गया एक सीट के लिए, मायावती जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको वोट होगा। ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इससे बहुत कुछ साफ हो रहा है कौन किस पाले में खड़ा है। अब जो पहले चर्चाएं होती थी, अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं। हालांकि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरी पार्टियों का विषय है, लेकिन जनता बहुत बारीकी से देख रही है किस दल की पहले क्या बोली थी, आज क्या बोली है, पहले क्या उनका स्टैंड था, आज क्या स्टैंड है। और जनता बिल्कुल स्पष्टवादी नेताओं को पसंद करती है, लेकिन ये आना जाना, दल बदलना, सत्ता की राजनीति करना, पद पोस्ट पाने के लिए लगातार आगे पीछे होना और अपनी विचारधारा को बार बार आगे पीछे करने से मुझे लगता है कि जनाधार पार्टी का कम होता है। इसीलिए एक बेहतर विकल्प के रूप में जब अगली बार विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी सहयोगी करने वाले जो नेता हैं, जो गठबंधन वाले दोस्त होंगे, हम सब मिलकर एक मजबूत सरकार यूपी में दे सकेंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहूँ, तो जग जाहिर है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे कांड हो गए, इतनी अव्यवस्था बन चुकी है और इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर, सुशासन पर। लेकिन वो हमेशा ही धर्म की राजनीति और हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, उसका प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय अपने बहुमत के घमंड में मुझे लगता है कि मनमानी तरीके से राज चला रहे हैं। अभी हाल में जो हाथरस में हुआ, उसके बाद जो तमाम घटनाएं हुई, इतना सारा यहाँ पर रोज मौतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ शोषण है, उत्पीड़न है, बलात्कार है, गरीबों को यहाँ सुनने वाला कोई बचा नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि यहाँ दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा का दोबारा यहाँ पर सरकार बनना संभव है।